गिरती जो हो गई थी जी, और अभी जो नीतीश जी बताए जी कि बिहार में काम करने नहीं दिया जा रहा था, और आप जानते हैं कि किस प्रकार से आरजेडी के द्वारा बिहार की विधि व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए कदम उठाए जा रहे थे, तो आज बिहार को बचाने के लिए, बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के साथ सरकार बनाने का निर्णय लिया है। सम्राट चौधरी जी और हमारे विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी नेता और उपनेता हमारे विजय सिन्हा जी बने हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं, बिहार के विकास में दोनों पहाड़ बनकर लगातार काम करेंगे, और एक अच्छी सरकार बनने की बहुत बहुत शुभकामना नीतीश जी को, सम्राट जी को और विजय सिन्हा जी को, मंत्रिमंडल का फिर आगे जो जितने साथी आएंगे उन सब। हाँ, जो बोले उसका दम है, आज घुटन टूटा है उनका, घुटन टूटा, घुटन महसूस हमारे साथ नहीं कर रहे थे, पूरा बिहार वासी घुटन महसूस कर रहा था जी। अब नीतीश कुमार पर भरोसा है, ये सरकार लंबी चलेगी? हाँ, भरोसा है, पूरा भरोसा है, लंबी चलेगी। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूँ मनोज चतुर्वेदी। जैसा आपने सुना, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सबसे अंत में निकले हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को आपने सुना, अभी अभी जब राज्यपाल के पास त्याग पत्र देकर लौटे तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी से मैं परेशान था, इतना भ्रष्टाचार जो है वो सरकार के अंदर हो रहा था मुझे नहीं पता था, मैं एक बेदाग छवि का हमेशा रहा हूँ और मैं इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसके कारण ही तेजस्वी यादव से उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया और भाजपा में शामिल, और भाजपा के साथ हाथ मिलाकर आज नई सरकार जो है वो बना रहे हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा को जो है बधाई दी कि विधान मंडल में एक जो है वो नेता और दूसरे उपनेता होंगे, यानी कि सम्राट चौधरी के बारे में तो खबरें आने लगी हैं कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा के बारे में अभी खबरें नहीं आ रही हैं। तो नित्यानंद राय ने भी क्लियर कर दिया कि नीतीश जो हैं वो सरकार बना रहे हैं भाजपा के साथ मिलकर, और शाम के 4 बजे हो सकता है नया शपथ ग्रहण समारोह होगा। जेपी नड्डा जो हैं वो पहुंचने वाले हैं पटना करीब 3 बजे के आसपास। सारी खबरों पे हमारी नज़र बनी हुई है, आप बने रहिए हमारे साथ।